सुबह के 4 बज रहे हैं। इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड वेरी सैड। दिस इज अस वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ये दुकान है असली, ये यहाँ से हमने मसाले खरीदने। फजर और अहमद मुझे लेके आए हैं यहाँ टी हाउस। जी जनाब, मैं हूँ लाहौर में और यहाँ पे मैं इंडिगो होटल में ठहरी हूँ। कल सुबह 4 बजे हमें पहुँचना है मेकअप के लिए और उसके बाद से शूट शुरू होगी जो कि चलेगी मगरिब तक। लाहौर में शाम को तो इतनी गर्मी नहीं थी, बट दिन में लेट्स सी कैसा हाल होता है। तो मैं अपना सन ब्लॉक, अपनी तैयारी पूरी करके आई हूँ। एक नेक फ़ैन भी जो मैंने मिनीसो से लिया था वो भी लेके आई हूँ। और वैसे भी कमर्शियल में इस तरह के अरेंजमेंट्स जो हैं वो बहुत प्रॉपर होते हैं, फ़ैन और हेल्पर्स एंड ऑल। तो होपफुली देर विल नॉट बी एनी इशू। अभी मैं बहुत सैड हो गई। आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम और ACF जो आयशा चंद्रेकर की ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है फॉर एनिमल प्रोटेक्शन, उस पर मैं एक वीडियो देख रही थी एंड इट जस्ट ब्रोक माई हार्ट कि एक आदमी किसी एरिया में उसने ज़िंदा डॉग को रस्सी से बांध के और उसे लटका दिया एंड ही वॉज इन्जॉइंग इट और वो खुश हो रहा था। खैर, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन ये किसी का भी दिल कैसे गवारा कर सकता है कि किसी जानदार चीज़ को कोई इस तरह से टॉर्चर करे। अगर आप किसी को प्यार नहीं कर सकते, कंफर्ट नहीं कर सकते, वो बेज़बान है, तो आप उनको तकलीफ़ तो ना दें। बहरहाल, ये बहुत जुल्म होता है हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं तो वेट्स के पास जाती रहती हूँ अपने डॉग्स को लेके भी, और वैसे भी हया की आदत है, स्ट्रीट पे अगर कोई कैट, कोई डॉग या कोई उसे ज़ख्मी मिलता है तो वो उसे फ़ौरन वेट के पास लेके जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो प्राउड ऑफ़ माई चिल्ड्रन के उनमें ये इंसानियत है कि वो हर जानदार चीज़ से प्यार करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और ये तख्लीक तो अल्लाह ताला की है ना, ये हमारा ईमान है। तो बहरहाल, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, दर्द होना चाहिए दिल में दूसरों का, हर जानदार चीज़ का। और इस तरह का जुल्म करने वालों के दिल पत्थर के होंगे आई एम श्योर, क्योंकि कोई भी इंसानियत रखने वाला या एक नरम दिल इंसान ये हरकत नहीं कर सकता। तो इट वॉज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड वेरी सैड। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ, गाड़ी नीचे आ चुकी है, मैंने एक कप चाय बनाई है और साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और हनी हलवा जो है वो खा रही हूँ। और फिर हम लोग लोकेशन पहुँचेंगे, वहाँ पे मेकअप होगा, आंखें पता नहीं कैसे सही करूँगी मैं, हार्डली आधा घंटा सोई हूँ मैं, एंड वी हैव अ लॉन्ग डे ऑफ शूटिंग। तो चलें, अल्लाह मालिक है, अभी निकलते हैं, लोकेशन पे जाते हैं, मेकअप कराते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। ये बात इसके साथ फूड को, यानी इसके साथ ही फूड स्ट्रीट है, ये यहाँ फूड स्ट्रीट है। अच्छा, ये फूड स्ट्रीट है ये जो हम देख रहे हैं, ये हमने बनाई है। अच्छा, इसके साथ ही फूड स्ट्रीट, ये दुकान है असली, ये सब सेट है, ये यहाँ से हमने मसाले खरीदने। मेकअप यहाँ वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी है? This is us working for the first time ever. And कैसी लग रही है हमारी जोड़ी? And it seems as if we have worked so many times before, है ना? Good chemistry.
ये जी होती है हमारी वैनिटी वैन, जिसमें मेकअप होते हैं, चेंजिंग रूम होता है और एक अदद वॉशरूम होता है। और ये गाड़ी में ये चेंजिंग रूम है एंड वी कैन पार्क इट एनीवेयर। अभी बैलेंस नहीं है, फिर व्हाट्सएप कर दो। चाय पराठा, अंडा पराठा। चलो ठीक है। और क्या कहते हैं, और बाकी मेरे जो ब्लैक वाला सूटकेस है उसमें से तुम्हें पता है अलमारी में खाली करके जाना। तो सुबह 4 बजे की निकली हुई, पता नहीं। अभी हम लोग सेट चेंज कर रहे थे और एक लोकेशन से दूसरी जगह आए हैं शूट करें। जो सेकंड्स में कमर्शियल आप लोग देखते हैं उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत एक एक शॉट जो है वो इमैक्युलेट होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बड़ी स्क्रीन्स पे देखते हैं और बार बार देखते हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। एक एक एक्शन मैच होना चाहिए, एक एक शॉट 20-30 बार रिपीट होता है। अभी जो मैंने कमर्शियल किया इसमें मेरी एक ही तरह की 8 कमीज़ें बनी हैं, तो वो इसीलिए कि अगर कोई गड़बड़ हो तो रिप्लेसमेंट हो फौरन। तो बस आप बहुत जल्द देख लेंगे कि किस शूट के लिए मैं लाहौर आई हुई हूँ और थकी हुई बहुत ज़्यादा हूँ। मैं सोई नहीं हूँ पूरी रात क्योंकि सुबह 4 बजे का कॉल टाइम था। अब हम लोग लंच करके वहाँ पर, और थोड़ी देर के लिए मैं होटल जा रही हूँ क्योंकि अब लंच के बाद तो नींद और ज़्यादा आ रही है। तो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वापस आते हैं क्योंकि अभी इकरा का मेकअप होगा, इकरा रेडी होंगी तो उन लोगों की शॉर्ट्स भी हैं, तो देन आई विल सी देम इन अ वाइल और फिर वापस आते हैं। बट लाहौर का मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है क्योंकि जब हम सुबह आए थे कल बारिश हुई है, तो इट वॉज़ प्लेजेंट। फिर बारिश शुरू होगी, हमने सोचा आज शूट नहीं होगा शायद, तो वो जो 7-8 बजे शॉट शुरू होना था वो 11 बजे पहला शॉट शुरू हुआ है, सॉरी 9 बजे। और 9 बजे से फिर हमने 11 बजे बारिश की फोरकास्ट थी तो बारिश नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो टारगेट था काम का वो हो गया और अब दूसरी लोकेशन पे आए हैं तो मगरिब से पहले हमने जो शॉट्स मार्क किए हुए हैं वो ख़त्म करने हैं। तो होपफुली विल डू इट इंशाल्लाह। इधर जाना है ऊपर। ये वाली है या वो वाली है हमारी? आपकी ये वाली। सेकंड वाली है। ओके यस फाइनली पैक अप। जी आई एम हेयर फॉर अ शो एट A+ और ये शो का नाम है चॉकलेट टाइम्स। ये आता है मंडे ट्यूसडे वेंसडे 9 to 11 PM और आपने ज़रूर देखना है। पता नहीं ताबिश हाशमी वाला शो पहले आता है या ये आता है, बट यू मस्ट कीप एन आई ऑन इट कि कौन सा शो कब आएगा। आई वॉज एट द कमर्शियल शूट एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 4 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं वहाँ थी, फिर तकरीबन 7 बजे मैं यहाँ आई और अब हम बस शो स्टार्ट करने लगे। 2 घंटे बाद मैं जाऊँगी होटल, फिर सोऊँगी और सुबह 4 बजे फिर शूट है। तो दैट्स वाई इतनी पोस्टिंग मैं नहीं कर रही हूँ अभी, लेकिन मेरे पास मटेरियल है, डोंट वरी आई विल पोस्ट देम। ये है जी शो का नाम, ये है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेट। अब हम इसकी रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं। यू कैन सी माई आईज, आई एम वेरी स्लीपी। तो बस इसके बाद मैं जाती हूँ होटल और जाके आई जस्ट गो ऑफ टू बेड बिकॉज 4 बजे फिर पहुँचना है मुझे लोकेशन पे फॉर द कमर्शियल। दिस इज़ वेरी गुड कमर्शियल, यू गोना सी इट इन अबाउट 2 weeks ऑन TV। और कमर्शियल तो इतना चलता है कि आप लोग तंग आ जाते हैं फिर। तो बस
वी गोना बिगिन. आप इसे देखेंगे ए प्लस पे एंड चॉकलेट टाइम्स इज द नेम ऑफ दिस शो. तो मज़े का शो है, आप लोग ज़रूर देखिएगा. सोशल मीडिया पे भी धूम मचाती है. रीसेंट उनके एक फोटो शूट ने आग लगा दी थी इंडस्ट्री में. जनाब मेरे दामाद चौधरी एंड सन्स, एक झूठा लफ्ज मोहब्बत, बेबसी, मुझे बेटा चाहिए और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट तो ये क्रेडिट लेने लगे थे कि चलो बेटा जी शुरू करो. गवाने का इरादा किया है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि वो पहले भी बहुत सारे शोज में गा चुकी है, लेकिन अब रिसेंटली उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लिहाजा ये क्रेडिट हम ले लेते हैं खुद ही से कि हम शगुफ्ता एजाज साहिबा को गवाने जा रहे हैं. बहुत क्योंकि बहुत लंबे अरसे के लिए, तो अब क्योंकि आपका ताल्लुक पंजाब से है, तो आपने एक गाना हमें पंजाबी में सुनाना है और एक उर्दू में. अब आपकी मर्जी है, पहले उर्दू सुनाएंगे या पंजाबी. बस ऐसे ही शौकिया गा लेती थी, तो मोइन अख्तर साहब को आइडिया था कि मैं ऐसे ही I see you, I feel you, that is how I
मजेदार ब्रेड स्टिक्स और यहाँ मक्खियाँ मारी जा रही हैं हमारे वैनिटी वैन में. एंड इट्स सच अ ग्रेट सरप्राइज हियर. एंड सिर्फ मिलने नहीं आए, मेरे लिए गिफ्ट भी आया है. पहले तो मैं आपको एक बच्ची से मिलाती हूँ और आपको मैं 30 सेकंड्स का टाइम देती हूँ गेस करने के लिए कि कौन हो सकता है, लेकिन आप नहीं पहुँच सकेंगे. तो अगला शॉट जब होगा तो वो रिवील हो जाए. किससे शक्ल मिल रही है कुछ आइडिया दें. थोड़ा मैं क्लोज करती हूँ. नहीं पहुँच पाएंगे भाई, नहीं पहुँच पाएंगे. यस, अहमद की बेटी फजर. तो ये लोग शूट में मुझसे मिलने आए हैं. एंड दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट. बहुत प्यारा है. किसकी चॉइस है? ये मेरी. सही बताओ. मेरी है. इतनी प्यारी तुम्हारी तरह. कोई बात नहीं, बस मुझे आइडिया हो गया. ये है ना इसका कपड़ा है. आपने दो ऑप्शन थे, मैंने ये वाला कहा था. दो ऑप्शन में ये था, ये था. उन दो ऑप्शंस में दो थे, एक था ये और एक था पिंक. अच्छा, नहीं ये ज्यादा प्यारा है. देखने में तो हमें ये जड़ें कटी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन ये इस दरख्त की कोई 100 साल की ज़िंदगी डिफाइन कर रही है. सो ब्यूटीफुल. आई लाइक इन्होंने जो गमलों के साथ ये किया हुआ है, सो प्रिटी है ना ये. ना ये ब्लू और फिर रोजी सा. हाँ. और इसकी जरा स्ट्राइप्स चेक करो. और ये देखें छोटे छोटे. वेलकम बैक. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमर्शियल की शूट ख़त्म हो गई.
अब बस मैं पैकिंग कर रही हूँ। ये फूल मेरे लिए अहमद की बेटी फजर लेके आई हैं और मेरा बर्थडे का गिफ्ट भी बहुत प्यारा लेके आए हैं दोनों। तो अब मैं जल्दी से अपनी पैकिंग करूँगी, फिर उनके साथ जाऊँगी कहीं कॉफ़ी पीऊँगी और फिर वो लोग मुझे एयरपोर्ट छोड़ेंगे। आज वापसी है या बच्चों के पास और बस खैर से सफ़र गुजरे। कल का दिन उनके साथ फ्री रिलैक्स, परसों से फिर बुलबुले की शूट। तो बस ऐसे ही लाइफ बिजी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस काबिल हैं कि ये मैनेज कर सकें सब कुछ। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। जनाब मेरी फ़्लाइट में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। फजर और अहमद मुझे लेके आए हैं यहाँ टी हाउस चाय के लिए, सम हाई टी। डिनर कह रहे थे मगर मैंने कहा नहीं, खाना मैं जहाज़ में खाऊंगी। और हम लोग फिर चाय के लिए आए हैं। दिस इज़ रियली अ नाइस प्लेस और एम्बियांस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा वैसे भी चाय और चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल चाह रहा था, सो विल जस्ट हैव समथिंग। सी नाइस प्लेस, इट डजंट हैव अ बोर्ड। फजर कैसी हो? मैं ठीक। इतनी प्यारी क्यों हो? उधर अंदर जाके ना, वहाँ से रास्ता है। अभी ना खाएं वो जिसके कच्चे फल भी नहीं। ये है जी इनका क्लासिक टी प्लेटर और इनकी रेकमेंडेशन पे, और फजर ने मंगाई है कॉफ़ी और ये चिकन स्ट्रिप्स। कितना आइडियल प्लेटर है वैसे ये। सनलाइट में गए थे अब और सनसेट के बाद चाय पी के निकल रहे। सो दिस इज़ हाउ द प्लेस लुक्स गुलबर्ग में। मैं आ गई कराची वापस, बच्चों के साथ रात में टाइम गुजारा। एक दिन हो गया अब, कल से मेरी बुलबुले की शूट है और कल जिस तरह से मैंने फ़्लाइट पकड़ी है क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक इतनी जैम थी। अहमद और फजर भी घबरा गए कि पता नहीं हम पहुंचा पाएंगे टाइम पे कि नहीं। मुझे तो लग रहा था मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। जाते हुए भी यही हुआ था, आते हुए भी यही हुआ, और फिर एयरपोर्ट आने के बाद मैं कोई 1 घंटा वहाँ फुटपाथ पे बैठ के मैकडोनल्ड्स की कोन खाती रही। ये लोग पहुँचे इतनी लेट, बेचारे फंस गए थे। तो इन्हें कोई 1.25 घंटा लगा। वही जो मेरा आते हुए हाल हुआ था, वो जो ड्रिग रोड वाला रोड है वो शायद उस पर कोई ब्रिज बन रहा है, क्या हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जब भी आप लोग एयरपोर्ट के लिए निकलें उस रास्ते से तो कम से कम 1-1.5 घंटा पहले निकलें, इतना मार्जिन रखें, अदरवाइज़ आप फ़्लाइट मिस कर देंगे। तो बस काउंटर पर आई तो बोर्डिंग कार्ड मिला तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं इस फ़्लाइट पर बैठ रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गई। टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा थी फ़्लाइट में एंड आई मेड इट। आई एम होम एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे और इस मुल्क पे ख़ास ख़ास रहम करे परवरदिगार। जिन हालात और मुश्किलात से ये मुल्क गुजर रहा है, अल्लाह ताला इन मुश्किलात से इस मुल्क को निकाले। और बस अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला कोई मौजज़ा करे कि जिन मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं और बहुत से लोगों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हुई हुई है महंगाई और दूसरे इश्यूज़ की वजह से, अल्लाह ताला उन्हें इस मुश्किल से निकाले और इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। जितना पोटेंशियल इस मुल्क में है अल्लाह ताला उससे भी ज़्यादा नवाजे हमें और बहुत बेहतरी के मामलात करे परवरदिगार। तो चलें जी, आई एंड माई वीडियो हेयर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह की अमान में।